गुना पुलिस हिरासत में हुई देवा पारती की मौत के मामले में दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। संगठनों का तर्क था कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मा कलेक्टर का होता है, लिहाजा इस मामले में भी कलेक्टर संज्ञान ले और पीड़ित परिवार की मदद करे। बता दें कि 14 जुलाई को कनारी निवासी देवा पारती की मौत पुलिस अभिरक्षा में हुई थी। देवा पारदी के परिजनों का आरोप था कि पुलिस की मारपीट के चलते देवा की जान चली गई, जबकि पुलिस हार्ट अटैक का मामला बता रही है। इस मामले में जुडिशियल इंक्वायरी की गई है। कोर्ट से इस इंक्वायरी की रिपोर्ट एसपी के पास पहुंच चुकी है। पुलिस अधीक्षक आगामी कार्रवाई की प्रक्रिया कर रहे हैं। डॉक्टर विष्णु शर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर देवा पारदी की हत्या के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में गुना में अनिश्चितकालीन आंदोलन करते हुए माकपा और मध्य प्रदेश किसान सभा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री कार्यालय भोपाल में भी प्रदर्शन किया जाएगा। असल में आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, किसान सभा और मजदूर संगठन एक भोपाल का वो भी शामिल है, तो हम आज ये मांग करने के लिए यहाँ आए हैं कि आप सबको भी मालूम है कि विगत 13 जुलाई को पुलिस एक आदिवासी पार्टी युवक देवा को उठाकर घर से लाई, मंडप से उठाकर लाई, शादी होने वाली थी, उसकी निर्ममता पूर्वक पिटाई करते हुए हत्या कर दी। उन पुलिस वालों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना उसके पीड़ित परिवार को किसी तरीके का मुआवजा मिला है, और इसके विपरीत जो न्याय की मांग कर रही थी महिलाएं, उनके खिलाफ मुकदमे जा चुके हैं। उनका एक नया ट्रैक्टर जो बारात के लिए तैयार खड़ा था उसको पुलिस उठा के ले गई है। तो ये सारे सवालों को लेकर ये आईजी ग्वालियर के दफ्तर पर 26 जुलाई को आंदोलन हुआ था। आईजी ने भी हमें आश्वासन दिया था कि हम गुना कलेक्टर से और कमिश्नर ग्वालियर से चर्चा करने के बाद एक पर्याप्त मुआवजा राशि इस परिवार को देंगे, और न्याय देते हुए पुलिस वालों पर भी हम कार्रवाई करेंगे, हमें आश्वासन दिया था। मगर गुना प्रशासन का, जिला प्रशासन की ये जिम्मेवारी थी कि सारे प्रकरण में तत्काल हस्तक्षेप किया जाए, क्योंकि कानून और व्यवस्था का अगर सवाल पैदा होता है तो गुना के जिले के कलेक्टर जो मुखिया हैं उनकी जिम्मेवारी है कि शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए वो इन सारे सवालों को हल करें। और जो हत्यारे पुलिस वाले, ये सरेआम दिख रहा है कि उसकी हत्या हुई है देवा पारदी की, तो उन पर तत्काल एक्शन लिया जाना चाहिए,